जितना भी आपका लेटेस्ट वैकेंसी निकला है ना 2020 का अगस्त के महीने में, वो सारे नोटिफिकेशन जो है वो इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करने वाले ए टू जेड। उसके पहले बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। और कल 17 अगस्त है तो शाम को 6 बजे से आपका मैथ का बेसिक क्लास, जितने भी स्टेट के एग्जाम होते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तक के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा। और उतना पढ़ने के बाद आप सभी बोलेंगे सिलेबस भी कंप्लीट हो गया और एग्जाम से निकलने के बाद स्कोर भी हमने एग्जाम में कर आया है। तो अगर पहले भर्ती की बात करूं तो पहला भर्ती हमारे सामने निकल कर आता है बिहार पुलिस भर्ती 2020 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती है ये वाला, इसको थोड़ा आप अच्छे से देख लीजिएगा। लास्ट डेट है जो आपका फॉर्म फिलअप करने का वो है आपका 24 सितंबर, ठीक है। कितने पोस्ट के लिए है तो आप सभी देख पा रहे होंगे पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए 1998 पोस्ट है और आपका सरेगेंट के लिए 215 पोस्ट है। और एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा तो ओबीसी के लिए 700 और एससी एसटी के लिए 400। और एक बात यहां पर बात करें अगर उम्र की, तो उम्र जो है आपका 20 से 37 साल के बीच में होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट्स का 20 से 40 साल और एसटी और एससी के लिए 20 से 40 साल। और डिटेल नोटिफिकेशन जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो आप सभी देख सकते हैं। अगला अगर बात करूं हम सभी तो अगला निकल कर आता है हमारा उत्तराखंड के लिए, ठीक है। और ये जो है आपका मेडिकल से जुड़ा हुआ है, 763 मेडिकल ऑफिसर के लिए पोस्ट है ये वाला। लास्ट डेट आपका 31 अगस्त है और इसमें एज जो चाहिए आपका 21 साल कम से कम होना चाहिए जुलाई 1 तक, और जुलाई 1 2020 तक जो है वो ज्यादा से ज्यादा 42 साल आपका उम्र होना चाहिए। और जो आपका एप्लीकेशन फीस लगने वाला है वो लगने वाला है 2000 जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए और एससी एसटी या फिर फीमेल के लिए 1000। और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपका एमबीबीएस एमडी या फिर एमएस का डिग्री जो है आप सभी के पास होना चाहिए। डिटेल नोटिफिकेशन की जानकारी पूरा ए टू जेड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप सभी देख सकते हैं। अगर अगला बात करें तो बंपर वैकेंसी जो बहुत लोग इंतजार करते हैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आईबीपीएस पीओ का जो है वो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है ऑफिशियली, जो बहुत लोग साल भर इंतजार करते हैं। टोटल जो पोस्ट निकल कर आया है वो निकल कर आया है आपका 1167 पोस्ट। अगर बात करें पिछले 3-4 साल 5 साल 6 साल के मुकाबले में तो इस साल बहुत कम वैकेंसी निकल कर आया है, लेकिन 4 जो बैंक है ना वो अभी अपने पोस्ट का जो है वो डिक्लेयर नहीं दिए। जब वो डिक्लेरेशन देंगे तो अब उनका पोस्ट जो है ये 1167 पोस्ट जो है वो और बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है भर्ती बहुत कम निकल कर आया है अगर पिछले 5-6-7 साल की बात करूं तो, क्योंकि पहले वैकेंसी आपका 20,000, 25,000, 17,000, 16,000 आता था, इस साल काफी कम आया है। एप्लीकेशन फीस भी जो है इस बार बढ़ा दिया गया है, जहां पहले लगता था आपका 600, इस बार आपको अगर जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपका एप्लीकेशन फीस 850 रहेगा, और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी जहां पर 100 रुपए लगते थे अब आपको देना पड़ेगा 175 रुपए। क्वालिफिकेशन तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और उम्र की बात करूं तो आपका 20 साल से कम नहीं होना चाहिए और 30 साल से अंदर होना चाहिए, ठीक है। पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है ना, पूरा डिटेल का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक एक जानकारी। और आगे अगर बात करूं ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लो आप सभी, 5 अगस्त से आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है, लास्ट डेट आपका 26 अगस्त है, ठीक है। अब यहां पर मेन क्या देखना है, जो आपका प्री का एग्जाम होगा, दो भाग में एग्जाम होता है प्री और मेंस। प्री का एग्जाम आपका अक्टूबर में होगा, 3, 10 और 11 अक्टूबर डेट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। रिजल्ट जो आएगा प्री का वो आएगा आपका अक्टूबर के ही महीने में, और मेंस का एग्जाम आपका 28 नवंबर को होगा, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, रिजल्ट जो है वो आपका दिसंबर में आएगा और आपका ज्वाइनिंग जो है वो अप्रैल के बाद में होगा 2021। बहुत इंपॉर्टेंट
इसको आप जरूर भरिएगा। अगर बैंक में आप सपना देखते हैं नौकरी करने का, तो अगर अगला डिटेल बात करूं यहां पर, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के तरफ से वैकेंसी निकलकर हमारे सामने आया हुआ है। और ये किसका वैकेंसी है, तो आपका अप्रेंटिस का, और 2000 टोटल पोस्ट है। ठीक है, याद रखिएगा ये फॉर्म भी आप फिलअप कर सकते हो। इसकी पूरी जानकारी, अगर कोई भी अप्रेंटिस में जो इंटरेस्टेड है इनका, इसका पूरा अगर जानकारी आपको चाहिए A to Z ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है। आप सभी जो है A to Z जानकारी जो है वहां से आप सभी देख सकते हो। अगर अगला बात करें आप सभी का, असम पुलिस में आपका वैकेंसीज निकल कर आया है। बहुत लोग इस वैकेंसीज का भी इंतजार करते हैं। 131 पोस्ट आपका स्टेनोग्राफर के निकला है और आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए। उम्र कितना चाहिए, 18 से 38 साल के बीच में जो है आपका उम्र होना चाहिए। लास्ट डेट जो फॉर्म फिलअप करने का है वो है आपका 6 सितंबर 2020। अब यहां पर ना आपका वैकेंसीज जो है वो दिखा दिया गया, किस पोस्ट के लिए कितना आपका जो है वो वैकेंसीज है, टोटल 131। और एक बात, सबसे बड़ी बात है, आपको एक रुपए भी नहीं देना पड़ेगा इसका, यानी आप फ्री में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आप किसी भी फील्ड में, आर्ट्स कॉमर्स से है या फिर साइंस है, लेकिन आपके पास कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो तो आपका मस्ट है, ये बोल दिया है, इसकी जानकारी होना ही चाहिए। बाकी डिटेल जानकारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। A to Z ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद आप सभी जो है एक एक पोस्ट के बारे में देख सकते हो। ठीक है, पूरा जानकारी। अगर अगला बात करें, बहुत ट्रेंडिंग वैकेंसीज 2 दिन पहले निकल कर आया है, बहुत ऑफिशियल, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। बहुत लोगों का सपना होता है इसमें फॉर्म फिलअप करने का। SSB में आपका सशस्त्र सीमा बल में 1541 पोस्ट के लिए जो है वो वैकेंसी आ रहा है 2020 में, और ये नोटिफिकेशन 28 जुलाई को रिलीज कर दिया गया है ऑफिशियली। ऑफिशियली नोटिफिकेशन का जो लिंक है ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप सभी जाकर देख लेना। और एक बात, एज जो है ना वो आपका 18 से 27 साल के बीच में होना चाहिए हर पोस्ट के अनुसार, आप देख लीजिएगा। और एक बात, अभी जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का प्रक्रिया है ना, वो अभी एक्टिव नहीं किया गया है। मैंने पूरा जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, इसी वीडियो के नीचे आप देख सकते हैं। और जो एप्लीकेशन फीस लगने वाला है वो लगने वाला है आपका 100 रुपया, और SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 रुपया नहीं लगेगा। बहुत ट्रेंडिंग वैकेंसी है, बहुत लोग इंतजार करते हैं, तो एक एक जानकारी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पढ़ लेना। पूरा मैंने अपलोड कर दिया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को जो है वो लिंक मिल जाएगा, और जैसे ही फॉर्म फिलअप होने का लिंक आएगा ना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगला जो वैकेंसीज निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है आपका एम्स न्यू दिल्ली के लिए। यहां पर 3803 नर्सिंग ऑफिसर के लिए पोस्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। लास्ट डेट 18 अगस्त है, यानी आपके पास अभी भी मौका है फॉर्म फिलअप करने का। 1 सितंबर को आपका एग्जाम का डेट रखा गया है। उम्र जो है 18 अगस्त तक आपका उम्र जो है वो 18 साल होना ही चाहिए, और 30 साल से कम होना चाहिए, याद रखिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है आपका, BSc या फिर डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में, आप सभी याद रखिएगा। और जनरल कैंडिडेट या OBC कैंडिडेट के लिए 1500 रुपए देने पड़ेंगे। ST SC EWS कैंडिडेट के लिए 1200 रुपए जो है वो देने पड़ेंगे इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। डिटेल जानकारी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन सब कुछ अपलोड कर दिए हैं। आप सभी अगर इंटरेस्टेड है तो डाउनलोड कर पढ़ सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। जितने भी भर्ती निकल कर आती है ना, मैं आपको हर हफ्ते अपडेट करता रहूंगा, ताकि आपको जो है एक एक चीज की जानकारी जो है वो मिल जाए। अगला जो निकल कर आ रहा है हमारे सामने, उत्तराखंड होप भर्ती, यह जो एक योजना निकाला गया था इसके लिए जो है 2277 पोस्ट जो है वो आपका निकाला गया है।
और ये जो वैकेंसीज है ना वो आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज है। देहरादून में 156, हरिद्वार में 1210, नैनीताल में 252, टेहरी गढ़वाल में 3 और आपका उद्धम सिंह नगर में 656 पोस्ट है। आप इस वेबसाइट पर विजिट कर हर जानकारी जो है वो पा सकते हैं। हालांकि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप सभी डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो जितने भी मैंने आपको दिखाया है इस हफ्ते का इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट जो है आप सभी को मैंने दिखा दिया है। हर हफ्ते मैं आप सभी को अप टू डेट करता रहूंगा। कल 17 अगस्त है, शाम को 6 बजे से मैथ का बेसिक क्लास, जो भी कमजोर है देखना, नोट्स बनाना, ठीक है। और ज्यादा जानकारी के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा जानकारी मैं हर हफ्ते आपको देता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी का जो है वो बिल्कुल भी ना छूटे, ठीक है।